नमस्ते, इस चैनल में आपका बहुत स्वागत है। अपनी इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि ऋषि जमगदनी को सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने क्यों मारा। तो चलिए वीडियो शुरू करें। बात उन दिनों की है जब ऋषि जमगदनी, जो परशुराम के पिता हैं, उनके पास एक सुशीला नाम की गाय थी। वह सुशीला नाम की गाय सहस्त्र अर्जुन को चाहिए थी। ऋषि जमगदनी से मांगने पर उन्होंने वह गाय सहस्त्र अर्जुन को दे दिया था, जिस पर सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों को ये था कि इतना सहज ही ऋषि ने अपनी इतनी प्रिय गाय कैसे दे दी। जरूर उन्होंने सुशीला गाय की जगह कोई दूसरी गाय पिताजी को दे दी है। इसी बात के विवाद में सहस्त्र अर्जुन के चार पुत्रों ने मिलकर ऋषि जमगदनी का वध कर दिया। ऋषि जमगदनी की मृत्यु के पश्चात जब परशुराम को यह पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। सहस्त्र अर्जुन भी परशुराम के क्रोध से डर गए। परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन से युद्ध की ठानी। युद्ध में सभी को मालूम था कि परशुराम ही विजय होंगे, क्योंकि वह वीर, पराक्रमी, बुद्धिमान और बहुत ही साहसी थे। जिस पर सहस्त्र अर्जुन की पत्नी ने परशुराम से क्षमा याचना की। परशुराम ने कहा, देवी, आपने अपराध ही क्या किया है, इसलिए मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। जिसने अपराध किया है वह क्षमा मांगे, मैं उसे अवश्य ही क्षमा करूंगा और युद्ध रोक दूंगा। इस पर सहस्त्र अर्जुन तैयार न हुआ। उसने ऋषि और भार्गवों से क्षमा नहीं मांगी। उसका अभिमान उसके आड़े आया और वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह जानता था कि ऋषि और भार्गव कभी क्षत्रियों से विजय नहीं हो पाएंगे। वह क्षत्रियों को श्रेष्ठ साबित कर देगा। ऋषि और भार्गवों के पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं जितनी राजा और क्षत्रियों के पास हैं। इसलिए दोनों में युद्ध हुआ। परशुराम ने बड़े ही चातुर्य से सबसे पहले सहस्त्र अर्जुन के शस्त्राग्रह में आक्रमण किया, शस्त्राग्रह को लूट लिया। शस्त्राग्रह के लूटते ही सहस्त्र अर्जुन की शक्ति अधूरी रह गई और परशुराम ऋषियों और भार्गवों समेत विजय हुए। कई क्षत्रिय राजा मारे गए। इस तरह से सहस्त्र अर्जुन को परास्त कर परशुराम ने अपने पिता ऋषि जमगदनी की मृत्यु का बदला लिया। इसके साथ वीडियो समाप्त हुई। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।